हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एस्टेट 2015 पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करवा दिए थे। आज हम 26 से लेकर बाकी के जो क्वेश्चन हमारे उनको कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो मैं एक्चुअली बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपका एस्टेट बहुत ज़्यादा पास है। 2 जनवरी को आपका एस्टेट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे करवा रही हूँ उनमें से अगर 1-2 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है और आपके लिए और अगर वो क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इसीलिए बस मैं यही सोच के ये वीडियो यहाँ पे करवा रही हूँ। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं करवा रही थी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, रिएक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट का फॉर्मूला है HC(OH)2H5। इसको हम एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा। अगर इसके साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन और मैग्नीशियम पे क्या होता है, चार्ज पोलराइज हो जाता है। यहाँ पे वैसे तो कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन मैग्नीशियम के इन्फ्लुएंस में मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ये जो है मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करता है और इस तरीके से ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ये एच और ये ओ C2H5 पहले से अटैच है। यहाँ पे मिथाइल का अटैक होने से ये इस कार्बन पे अटैच हुआ और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच हो गया। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें डाइओल मिलता है और डिहाइड्रेशन, क्योंकि डाइओल जो है स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है इसलिए इसमें से वाटर का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है और हमें मिलता है एल्डिहाइड। यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेस में दिया गया है इसलिए हमारा इथेनॉल राइट आंसर ना हो करके ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी। फिर से इस पे अटैक होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा उसी वे में और फिर से हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें यहाँ पे एक अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल कौन सा मिल रहा है हमें यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। CH3MgCl on reaction with D2O gives। देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही हमें यहाँ पे गिवन है और इसका डायरेक्ट हमें किससे, हैवी वाटर से रिएक्शन करवाना है तो हमें क्या मिलेगा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कि CH3MgCl D2O से रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है कि आपका ये एक D जो है वो CH3 के साथ अटैच हो जाता है, CH3D। अगर यहाँ पे H होता तो मिथेन बन जाता, यहाँ पे हमारा ड्यूटेरियम आयन मिथाइल आयन के साथ अटैच हो रहा है और साथ में जो OH यानी OD बचेगा, यहाँ पे OD जो है हमारा इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, MgCl OD। तो यहाँ पे हमारा ये बाई प्रोडक्ट हमें साथ में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। हमें दिया है एथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ट्रशिब्यूटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो इनके मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, इथाइल एल्कोहल C2H5OH जो कि प्राइमरी एल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल में यहाँ CH, इधर CH3, इधर CH3 और इधर OH सेकेंडरी है, और टर्शरी ब्यूटाइल में एक कार्बन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और उसके साथ OH अटैच है, टर्शरी हो गया। नियोपेंटाइल एल्कोहल आपका हो जाएगा CH3C CH3 CH3 CH2 OH, प्राइमरी एल्कोहल है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इनका एसिटिक रिएक्टर किस तरीके से इंक्रीज होता है। जो एल्कोहल्स होते हैं उनका एसिटिक रिएक्टर प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का उससे कम और टर्शरी का सबसे कम एसिटिक रिएक्टर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अटैच होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स जो आपके हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब टर्शरी के ऊपर देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये 3 कार्बन और अटैच है, ये तीनों कार्बन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, और ये कार्बन आगे किसको डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, जिससे ऑक्सीजन का नेगेटिव करेक्टर बढ़ जाने से
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाती है और इसीलिए ये OH जो है बॉन्ड जल्दी से क्लीवेज नहीं होगा इसका, ये हाइड्रोजन यहाँ से इजिली रिमूव नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा इसका एसिटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी के केस में हमारा छोटा एल्काइल ग्रुप अटैच है CH3, एक ही ग्रुप अटैच है, तो ये एक ग्रुप के जितना ही इसको क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो सही, लेकिन टर्शरी या सेकेंडरी के कंपैरिजन में कम बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन और टर्शरी में 3 करेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में किसका कैरेक्टर ज्यादा है, प्राइमरी का। लेकिन यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और नियोपेंटाइल अल्कोहल दोनों ही प्राइमरी हैं, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसमें जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो छोटे वाला है और इसमें जो है ये आपका CH2 से जो ग्रुप अटैच है वो बड़े वाला ग्रुप अटैच है, तो बड़े वाला ग्रुप ज्यादा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा जबकि छोटे वाला कम करेगा, इसी वजह से हमारा इथाइल अल्कोहल जो है वो क्या हो जाएगा मोस्ट एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म ज्यूटेराइन, ज्यूटेराइन कौन सा कंपाउंड बनाता है, हमें नीचे दिया है, यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज दिए थे, मैंने उनके कॉमन नेम्स भी लिखे, ये एनिलीन है, ये एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये ग्लाइसिन है और ये ग्लाइकोलिक एसिड है। तो यहाँ पे जो आपका ग्लाइसिन है ये ज्यूटेराइन फॉर्म करता है, ज्यूटेराइन का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई कंपाउंड एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, यानी उस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी रहता है और नेगेटिव चार्ज भी रहता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं NH2CH2COOH, दिस इज ग्लाइसिन, अगर इसको वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये वाटर से एच कौन ले लेगा अमोनिया आयन और OH कौन ले लेगा आपका एसिड, और OH और ये H मिलके क्या बनाएंगे वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिलीज हो जाएगा और COO नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ग्लाइसिन जो है वो इनर सॉल्ट या डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, और ज्यूटेराइन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डबली चार्ज आयन को ज्यूटेराइन्स या इम्फोलाइट्स कहा जाता है, क्योंकि इम्फोलाइट की फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइसिन के अंदर, इसीलिए वो एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी वेरी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट ड्यूरिंग बेसिमराइजेशन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर बाय, अब ये कॉपर ऑक्साइड से आपको कॉपर बनाना है तो बेसिमराइजेशन प्रोसेस में आप उसके साथ क्या ऐड करते हैं, तो वहां पे कॉपर सल्फाइड यूज किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड में अगर कॉपर सल्फाइड ऐड करेंगे तो ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें मिलता है प्योर कॉपर मेटल। ये बहुत ज्यादा प्योर नहीं होता है, कुछ इम्प्योर फॉर्म में आता है, आगे इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है इसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बता देती हूँ, सॉरी कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है, जिसको नीड है वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसको रीड आउट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर एटम इन विनाइल एसिटाइलिन इज sp3 एंड sp, sp3, sp2, sp एंड sp2। अगर आपको विनाइल एसिटाइलिन का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, विनाइल एसिटाइलिन का फॉर्मूला होगा C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो होते हैं हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp होगी। जो विनाइल एसिटाइलिन है कलरलेस गैस होती है जो कि पॉलीमर इंडस्ट्री में काफी यूज की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, डिस्टिलेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स। अगर हम ग्लिसरॉल का, ये देखिए ये फॉर्मूला ग्लिसरॉल का है, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका अगर हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ तो हमें मिलता है एक्राइलिक एल्डिहाइड। यहाँ से टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल जाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से OH और एक H निकलता है तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ से OH और एक H नीचे वाले मॉलिक्यूल से निकल जाता है तो सेकंड दो वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से रिमूव होकर रीअरेंज होकर अपने इस तरीके की एक फॉर्म बनाते हैं जिसको हम एक्रोलिन या एक्राइलिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट है। अगर आपको स्ट्रक्चर देखने हो जैलिक एसिड का तो इस तरीके का होगा जिसमें दो एसिड ग्रुप जो है अटैच होते हैं, मैजो ऑक्जैलिक एसिड में बीच में एक आपका कीटोनिक ग्रुप इस तरीके से और आ जाता है, एलाइल अल्कोहल आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH होता है और ये जो है आपका ये क्या है, एक्राइलिक एल्डिहाइड जिसका कॉमन नेम है एक्रोलीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मेशन ऑफ हेमिएसिटल फ्रॉम ए एल्डिहाइड फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। ये हेमिएसिटल बनाना है एल्डिहाइड से तो किसका एग्जांपल होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, मैंने शॉर्ट्स फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। तो सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। जब हेमिएसिटल हम बनाते हैं तो हेमिएसिटल के लिए हमारे पास देखिए ये हेमिएसिटल हमें बनाना है तो इसके लिए हमें एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल की नीड होती है। या तो आप उसको न्यूट्रल मीडियम में करवाएं डायरेक्ट प्रोसेस चलेगा या आप उसको एसिटिक मीडियम में करवाएं। अगर आपके पास एल्डिहाइड है उसको हम एसिटिक मीडियम में रखते हैं तो ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और वहां पे आपके बनेंगे हेमिएसिटल्स रीअरेंज होकर के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी थ्योरी के बारे में बता देती हूँ, क्या है हेमिएसिटल फॉर्म व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्कोहल, दिस कैन अकर विद न्यूट्रल रिएक्शन विच ओनली इन्वॉल्व द एल्कोहल एंड एल्डिहाइड और एन एसिड कैटलाइज रिएक्शन विच पुट ए हाइड्रोजन ऑन द एल्डिहाइड ऑक्सीजन टू स्टार्ट आउट विद एंड इज मच फास्टर। जो आपका न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होता है और जो एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम वाला रिएक्शन थोड़ा सा फास्टर होता है इसलिए हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम को प्रेफर करते हैं। हेमिएसिटल्स आर द रिजल्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय द एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कार्बन ऑफ सी डबल बॉन्ड ऑफ बॉन्ड, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं एल्कोहल जो है वो एड अप हो रहा है एल्डिहाइड के ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, बेरिलियम, बेरियम, मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम। तो ये जो है आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में यहाँ पे अगर रेडियम को कंसीडर करें तो रेडियम तो आपका रेडियो एक्टिव होता है और वो एयर के अंदर जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है इसलिए यहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम रेडियम को छोड़ के बात करें तो यहाँ मोस्ट रिएक्टिव आपका होता है बेरियम। वैसे तो देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव होने चाहिए वो, लेकिन यहाँ पे हम बेरियम को छोड़ के बात करते हैं, लेस नहीं, मोस्ट रिएक्टिव, वेरी वेरी मोस्ट रिएक्टिव होता है लेकिन रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं करेंगे तो बेरियम क्या हमारा मोस्ट रिएक्टिव है। और अगर इनके बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के अंदर इनका ऑर्डर देखें किस तरीके से आता है, तो यहाँ पे देखिए डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है जिससे नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है।
जिससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो जाता है, यानी अपना वो जो रिएक्टिविटी है बड़े आराम से शो कर सकता है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी इसको करना है वो बड़े आराम से हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए बेरियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 35, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन वाटर HOCl और HCl। यहाँ पे हमें ये गिवन है, ब्लू पेन से जो मैंने लिखा है, बताना है क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस दोनों होगा, ना ऑक्सीडाइज होगा ना रिड्यूस होगा, क्या होगा इसका। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे जीरो है, और इस कंपाउंड के अंदर क्या है, प्लस वन है, और यहाँ पे क्या है, माइनस वन है। तो यानी सेम एलिमेंट का है जो रिडक्शन भी हो रहा है, और सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट है, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके देखिए और बताइए कौन सा मॉलिक्यूल sp3 नहीं है। ये मैंने आपको लगभग हर पेपर में सोल्व करके दिखाया हुआ है, और यहाँ पे भी बता देती हूँ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 मोनोवलेंट है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 6 है, और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम रहेगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है और मोनोवलेंट कितने होंगे, 2 होंगे। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 है, 4 मोनोवलेंट है, सिलिकन वैलेंस शेल में 4 और 4 मोनोवलेंट फ्लोरिन है। तो आप बाकी को कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फॉर द फॉलोइंग गैस फेज रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है गैस फेज में हो रही है, जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक क्लोरीन गैस निकाल रहे हैं। इस रिएक्शन कंडीशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि देखिए रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन पॉसिबल है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर रिएक्शन के लिए गिब्स फंक्शन नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, और इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन आप सिलेक्ट कर लें, और ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, 4 वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन गैस। ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मूला देख लेते हैं, ये हमारा ऑर्थोजाइलिन है जिसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप्स लगे हैं। अब इसका हमें ओजोनोलिसिस करवाना है। देखिए अगर हम सिर्फ इसी मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर जो है रॉन्ग आएगा, इसलिए हमें इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। ऑर्थोजाइलिन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, एक तो जिसमें CH3 और CH3 के बीच में डबल बॉन्ड आता है, और एक दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें CH3 और CH3 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता है, वो एडजेसेंट पोजीशंस पे आते हैं। तो जब आप इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, डबल बॉन्ड के लोग इसको ब्रेक करेंगे, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा ग्लाइओक्सिल, यहाँ से इस वाले से, इस सी के ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, ग्लाइओक्सिल, और यहाँ से जो हमें ब्रेक होके मिलेगा, दो मॉलिक्यूल सेम मिलेंगे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ वाला इधर, तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ और इस कार्बन पे भी सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला, तो मिथाइल ग्लाइओक्सिल सेम इससे हमें इधर वाले मॉलिक्यूल से मिलेगा। और जब सेकंड वाले स्ट्रक्चर को हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड के लोग, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो सेम प्रोडक्ट देंगे ग्लाइओक्सिल, और ऊपर वाले से हमें मिलेगा डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिल। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ ग्लाइओक्सिल, मिथाइल ग्लाइओक्सिल एंड डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिल, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो इसके लिए जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि आप दोनों स्ट्रक्चर को जरूर मेंशन करें, अगर एक स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 39, मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन अमंग द फॉलोइंग, मिथाइल कार्बोक्टाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोक्टाइन, ट्रसिबुटाइल कार्बोक्टाइन एंड अलाइल कार्बोक्टाइन, इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। जो कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी होती है वो टर्शरी की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की थोड़ी कम, प्राइमरी की सबसे कम, और मिथाइल वाले की तो सबसे कम होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टर्शरी स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, पहला जो कार्बोक्टाइन है वो प्राइमरी,
दूसरा जो कार्बोकोटाइन है वो सेकेंडरी, और तीसरे टर्शरी ब्यूटाइल वाला टर्शरी, और फोर्थ वाला लाइल कार्बोकोटाइन जो है वो प्राइमरी है। तो इसलिए आपको जो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा वो टर्शरी वाला होगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकोटाइन। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो थ्री मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे कार्बन के ऊपर, इसके प्लस चार्ज को थोड़ा न्यूट्रलाइज करेंगे जिससे कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हैं वो भी पॉसिबल है, यहाँ पे 12 हाइपर जो आपके 12 स्ट्रक्चर बनेंगे वो भी इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इन विच रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज प्रेजेंट। तो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कहीं भी, इस तरीके का, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो, बीच में एक मिथाइलिन हो और फिर डबल बॉन्ड ओ हो, तो आपका जो ये बीच वाला मिथाइलिन ग्रुप होगा ये आपका रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। तो मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये किन में देखने को मिलता है हमें, मेलोनिक एस्टर और एस्ट्रो एस्ट्रिक एस्टर्स के अंदर। देखिए मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला ये है और एस्टो एस्ट्रिक एस्टर का फॉर्मूला ये है, इन दोनों के अंदर ही हमें ये मिथाइलिन ग्रुप देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, जो हाइड्रोजन एटम होता है वो ज्यादा एस्टिक हो जाता है और वो क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है एंड माइग्रेट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू कार्बन बाय ए पाई बॉन्ड लाइक इन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि यहाँ पे कार्बन से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है ऑक्सीजन, उसके ऊपर क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर है ये इसमें देखने को मिल रहा है, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले बीच में दो मिथाइलिन ग्रुप आ गए, इसलिए ये नहीं, सिंगल होता है, सिंगल मिथाइलिन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विद सेम हाइब्रिडाइजेशन इज, हमें कुछ मॉलिक्यूल दिया है इनकी हाइब्रिडाइजेशन हमें बतानी है किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया सभी के, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है, 1/2 इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। इस फॉर्मूले से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेम हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो जेनन टेट्राऑक्साइड और कार्बन टेट्राफ्लोराइड की आ रही है, यहाँ पे मैंने उनको सॉल्व करके लिखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं sp3 बन रही है दोनों की, बाकी में सबकी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर द एलिमेंटल डिटेक्शन विद नाइट्रोबेंजीन इज फ्यूज विद सोडियम द कंपाउंड ऑब्टेनिंग। देखिए एलिमेंटल डिटेक्शन करनी है और वो भी किसकी, नाइट्रोबेंजीन की, किसके साथ, सोडियम के साथ। तो नाइट्रोजन की हम डिटेक्शन यहाँ पे करना चाह रहे हैं मोस्टली, ये कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोबेंजीन अगर सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन करना चाहते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट की। उसके टाइम पर जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम अमाइड, सोडामाइड जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमें जो मिलने वाला है वो सोडियम साइनाइड मिलने वाला है। क्यों, देखिए ये जो टेस्ट है सोडियम फ्यूजन टेस्ट होता है, जिसको लेसेंजर टेस्ट भी बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन सल्फर या हेलोजन की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। अब जब नाइट्रोबेंजीन को सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा सोडियम साइनाइड, और सोडियम साइनाइड को फिर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड या तो बना लेते हैं यहाँ पे, बना बनाया यूज कर लेते हैं, उसको करेंगे तो फेरिक साइनाइड मिलेगा। फेरिक साइनाइड फर्दर सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करेंगे तो हमें सोडियम फेरोसाइनाइड, जिसको फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, तो फेरिक फेरोसाइनाइड पर्सियन ब्लू कलर का हमें वहां पे पीपीटी मिलता है देखने को, जिससे अगर हमें पर्सियन ब्लू कलर का पीपीटी मिलता है तो वहां पे कंफर्म हो जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस है। इसी तरीके से अगर सल्फर के प्रेजेंस को हम पता लगाते हैं तो वहां पे हमें सोडियम सल्फाइड मिलता है, और उसको फर्दर हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम नाइट्रोपरसाइड से, जो कि एक वॉयलेट कलर का पीपीटी देता है।
और अगर हम हेलोजन्स के साथ सोडियम को ट्रीट करवाते हैं, क्लोरीन होगा तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो सोडियम ब्रोमाइड, या आयोडीन होगा तो सोडियम आयोडाइड मिलेगा। जिनको फर्दर सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाते हैं, क्लोरीन वाला आपको व्हाइट पीपीटी देता है, ब्रोमीन वाला पेल येलो, और आयोडाइड वाला येलो पीपीटी आपको वहां पे देता है। तो ये आपका इस तरीके से एलिमेंट डिटेक्शन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो था उसमें नाइट्रोजन के लिए पूछा तो हमें सोडियम साइनाइड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बाय यूरेट टेस्ट इज शोन बाय द फॉलोइंग। बाय यूरेट यानी बाय मतलब टू, यूरेट मतलब यूरिया, तो ये टू यूरिया यानी बाय यूरेट टेस्ट जो है उसको यूरिया शो करेगा। शॉर्ट में अगर ये करना है, अगर इसकी डिटेल देखनी है तो देखिए हमारे पास क्या होता है, टू यूरिया मॉलिक्यूल होते हैं, उनको 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो हमें बाय यूरेट मिलता है। और ये बाय यूरेट टेस्ट जो है पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, आगे इसको फर्दर जब हम रिएक्शन करवाते हैं बायोरेट को प्रोटीन्स और कॉपर आयंस के साथ, तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि कैसे कलर का होता है, वॉयलेट कलर देता है। तो वॉयलेट कलर की अगर वहां पे प्रेजेंस हो रही है, दैट मीन बायोरेट टेस्ट आपका जो है पॉजिटिव है, और इससे कंफर्म हो जाता है कि आपका जो आपने पेप्टाइड्स बॉन्ड लेके चले थे वो वहां पे प्रेजेंट है, या प्रोटीन जो है आपके प्रेजेंट है। बायोरेट टेस्ट के अंदर रिएजेंट होते हैं बायोरेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करता है, और कॉपर आयन जो है चिलेट कॉपर आयन देता है, कॉपर सल्फेट जो कॉपर आयन देता है, और पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट जो है वो चिलेट बनाता है कॉपर आयन्स का। यहाँ पे देखिए प्रोटीन, कॉपर आयन्स और हम बायोरेट्स लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, रिएक्शन करवाते हैं अल्कलाइन मीडियम में। तो ये जो आपके आपका प्रोटीन मोलिक्यूल है, इसके जो आपके ये एच है अमाइन वाले, ये क्या करते हैं अपने हाइड्रोजन लूज करके कॉपर आयन के साथ चिलेट फॉर्म में आ जाते हैं, एच अपना लूज करके चिलेट बना लेते हैं इसी तरीके से। और इसके लिए मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपके कम से कम पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर 3 अमीनो एसिड होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो अमीनो एसिड आपका है वो मैग्नीशियम और अमोनियम आयन फ्री होना चाहिए। जो प्रोटीन आप सैंपल लेके चल रहे हैं अमीनो एसिड्स का, वो उसके अंदर मैग्नीशियम और अमोनियम आयंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं। और एक चीज जो आपका अमीनो एसिड जो इकलौता अमीनो एसिड है जो ब्यूरेट टेस्ट शो करता है, डेट इज हिस्टामाइन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस बेस, तो हमें नॉट ए लुईस बेस बताना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन पे आती हूँ। देखिए यहाँ पे CH2 है, CH2 में आपका कार्बन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन से शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होने की वजह से ये क्या है, लुईस एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है इसकी, इन सब के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, इसलिए ये लुईस बेसिस है, बट ये क्या है, लुईस एसिड है। तो हमारा पूछा था नॉट ए लुईस बेस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के पास। द पीएच ऑफ 10^-8 मोलर एनुअल सोल्यूशन इज, यहाँ पे हमें बेस गिवन है, इसलिए हमें यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन सॉरी पीएच निकालनी है वो किस फॉर्मूले से निकालनी है, पीएच प्लस पी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस पावर ऑफ हाइड्रोक्सी लाइन इज इक्वल टू 14, ये फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम क्या करेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोक्सी लाइन निकाल लेंगे यहाँ से। तो पावर ऑफ हाइड्रोक्सी लाइन हम यहाँ से क्या है, 10^-8 है, इसको कंसेंट्रेशन की टर्म में पीएच की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सी लाइन कंसेंट्रेशन। ये हाइड्रोक्सी लाइन की हमें कंसेंट्रेशन गिवन है, इसका हमें पीएच निकालना है, हाइड्रोक्सी लाइन का पावर निकालना है। तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसकी कंसेंट्रेशन हमें गिवन इसमें रखेंगे और -8 हमारा आगे आ जाएगा लॉग में, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा और लॉग 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 8 × 1 = 8। तो इसका पीएच कितना आ गया, 8, बेस है ये 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका 8 रखेंगे और पीएच हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन निकालेंगे तो 14 - 8 कितना आ जाएगा, 6। तो पीएच ऑफ 10^-8 मोलर एनुएस सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे जो अगर हम एनुएस हाइड्रोक्सिल सॉल्यूशन की पीएच देखें, एच की फॉर्म में पूछी, इसने ओएच की फॉर्म में नहीं पूछी है, ओएच की पूछी होती है तो डायरेक्ट हम कहते हैं मोर देन 7 है, लेकिन यहाँ एच की फॉर्म में पूछी है तो हम क्या कहेंगे, लेस देन 7 है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन।
तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है हमारा हेलोजन फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है फ्लोराइडाइन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है, इसलिए लिस्ट स्टेबल है और मोस्ट बेसिक है। वैसे अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो जैसे कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज ऑफ एटम जो है वो ट्रम्प करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ और विद रिगार्ड टू बेसिसिटी। एटॉमिक रेडियस ऑफ आयोडीन जो है, आयोडीन मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन मॉलिक्यूल के एटॉमिक रेडियस से लगभग क्या है, हाफ है। या यूं कहें कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियस आयोडीन मॉलिक्यूल से क्या है, आयोडीन एटॉमिक रेडियस जो है डेट इज डबल ऑफ द फ्लोरीन एटॉमिक रेडियस। ओके, तो आयोडीन बड़ा है साइज में और फ्लोरीन छोटा है, तो ये डबल है फ्लोरीन का। सो इन एन आयोडाइड आयन नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड आउट ओवर ए सिग्निफिकेंट लार्जर वॉल्यूम। इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है लार्जर वॉल्यूम पे स्प्रेड होता है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कम वॉल्यूम पे स्प्रेड होगा, इसीलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसके ऊपर आयोडाइड वाले के ऊपर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रेट कांस्टेंट का रिलेशन इस तरीके से है, अगर किसी मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके जा पाएंगे। अगर वहां पे लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके जा पाएंगे तो जो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में कोलिजन भी क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन कम होगा। इफेक्टिव कोलिजन कम होगा तो रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो रेट कॉन्स्टेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो रेट कॉन्स्टेंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है आप अरहेनियस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर वहां पे दो डिफरेंट टेम्परेचर है तो इस तरीके का रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम क्लोरीन प्लस 2NO गैस चेंज टू 2NOCl। यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन NOCl का विल इंक्रीज इफ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय। अब यहाँ पे NOCl का कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगा, किसको डिस्टर्ब इंक्रीज होगा, Cl2 को ऐड करके या Cl2 को डिक्रीज करके, या हम इसमें NOCl ऐड कर दें या NO को रिमूव कर दें या फिर Cl को रिमूव कर दें। तो यहाँ पे देखिए ली चैटरल प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है सीधा सीधा। कौन सा, ली चैटरल प्रिंसिपल। ली चैटरल प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम उसी तरफ शिफ्ट होगा जहां पे उस चेंज को हम मिनिमाइज कर सके, उस चेंज के इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सके। अब यहाँ पे अगर आप Cl2 को ऐड करेंगे तो ये इसको डिक्रीज करने की तरफ जाएगा। डिक्रीज किस तरफ होगा, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, यानी NOCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे एडिंग Cl2 क्या करेगा, NOCl की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। बाकी के ऑप्शन में अगर हम NOCl को ऐड करेंगे तो इसको डिक्रीज करेगा तो बैकवर्ड में चल पड़ेगा, NO को रिमूव करेंगे कंसंट्रेशन कम हो रही है इसको इंक्रीज करने के लिए भी बैकवर्ड में आएगा ये, और Cl2 को रिमूव करोगे तो भी इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 49, विच पेयर ऑफ एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर गिवन है शो डायगोनल रिलेशन। तो यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर गिवन है, मैंने उनके एलिमेंट्स लिख दिए और डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं जो डायगोनल रिलेशन है वो बेरिलियम एल्युमिनियम शो करेंगे, बेरिलियम एल्युमिनियम जिनके एटॉमिक नंबर 4 और 13 है। बाकी जो फ्लोरीन क्लोरीन दिया है इसके जस्ट नीचे आ रहा है, नाइट्रोजन फास्फोरस भी इसके नीचे आ रहे हैं एक दूसरे के, और कार्बन सिलिकन भी एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ग्रुप में सेम ग्रुप में आ रहे हैं। तो करेक्ट रिलेशनशिप कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। तो यहाँ मिथाइल, मिथॉक्सी, हाइड्रोक्सिल और अमाइन, ये चारों ग्रुप ही क्या करते हैं आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट शो करता है डेट इज अमाइन्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को ज्यादा डीएक्टिवेट कर देते हैं, सॉरी ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, जिससे जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर होता है। इसके अंदर हमारे हाइड्रोक्सिल्स, अमाइंस, इथर्स,
एल्काइल्स, थायोल्स, हेलोजन्स, एल्कोक्सी ग्रुप्स सभी आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74.05% की होती है। सेम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए भी होती है। अगर बीसीसी के लिए पूछे तो 68.04% की होती है और सिंपल या परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 52.4% की होती है। क्वेश्चन नंबर 52। द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल इज गिवन बाय, तो फ्यूल सेल जो थर्मोडायनेमिकली एफिशिएंसी शो करता है वो हमारी गिब्स फंक्शन और एंथैल्पी का रेशियो होता है जो कि ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा जी जो है आपका क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल वर्क मेजर करता है, और डेल्टा एच आपका हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल मेजर करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। क्वेश्चन नंबर 53। ए पेयर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पेयर हमें यहां पे बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए जल्दी से क्या क्या है, फिर हम इनका नॉन पोलर करेक्टर डिस्कस करते हैं। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल तब बनता है जब मॉलिक्यूल शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली इन ए कोवलेंट बॉन्ड, इक्वली शेयरिंग होती है। देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द मॉलिक्यूल, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज लेस देन 0.5। नेक्स्ट, आइडेंटिकल एटम्स होने चाहिए, या उनके दो जो आप डिफरेंट एटम ले रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम का होना चाहिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल तब भी बनते हैं जब एटम जो है पोलर बॉन्ड शेयर करते हैं एंड अरेंज सच डैट द इलेक्ट्रिकल चार्ज कैंसिल ईच अदर आउट। पोलर बॉन्ड होगा लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते, तब भी आपके क्या बनेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा राइट है उसमें बेरियम क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड गिवन है, मैं उन्हीं को पहले डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा है, सॉरी पोलर बॉन्ड बन रहा है बेरियम और क्लोराइड के बीच में, लेकिन फिर भी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है। जितना क्लोरीन इसको इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को इसको पोलराइज करेगा, उतना ही ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ पोलराइज करेगा। नेट जो आपका पोलराइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इस सेम केस मर्करी क्लोराइड में है, लीनियर मॉलिक्यूल है। जितना ये क्लोरीन इसको पोलराइज करेगा उतना ही ये करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, नॉन पोलर है। यहाँ पे जो आपको अदर ऑप्शंस गिवन है उसमें BF3 और ClF3 गिवन है। ये ऊपर की तरफ पोलराइज कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ये इधर की में और ये इधर की में, तो इधर वाले नेट एड अप होंगे, कुछ ना कुछ पोलराइजेशन बनेगा और इसको कैंसिल करके तो ग्रेटर देन जीरो होगा, सेम इस केस के लिए। और नीचे देखिए जो टिन क्लोराइड है वो बेंड शेप शो करता है, बेंड शेप होगा तो यहाँ पे क्लोरीन इधर की डायरेक्शन में पोलराइज करेगा इधर के में, तो ये कुछ ना कुछ एडअप होके आपका पोलराइजेशन आएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के केस में हम इस तरीके से पोलराइजेशन नहीं बता सकते। यहाँ पे हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 से ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर है, सॉरी इसलिए क्या है, पोलर है। तो हमारा नॉन पोलर वाला क्या है, बेरियम क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर। यहाँ पे ये भी पोलर है, ये दोनों भी पोलर है, ये भी पोलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एलिनिन एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट HCl एट 0 degree से 5 degree सेल्सियस टू गिव ए कंपाउंड नेम व्हिच ऑन रिडक्शन विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड गिव कंपाउंड बी आइडेंटिफाई। ऑप्शन होगा आपका 3 वाला राइट। यहाँ पे हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजीन मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें एनिलीन गिवन है, इसका सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट HCl से करवाएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिलेगा, और फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड से करवाएंगे तो बेंजीन मिलेगा। सेम क्वेश्चन एस्टेट 2019 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 101। वहां पे डिफरेंस क्या था, वहां पे हमें नाइट्रोबेंजीन दिया, उसका पहले रिडक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, एनिलीन मिला। फिर उसका सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाया तो हमें मिला बेंजीन डाइजोनियम
सॉल्ट, लेकिन वहां पे यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन चेंज कर दी, वहां पे हाइड्रोलिसिस करवा दिया एसिडिक मीडियम में, तो हमें बेंजीन नहीं क्या मिल रहा था, फिनोल। तो इस चीज के डिफरेंस को समझें और दोनों क्वेश्चन में, तो हमारा अगर हाइपोफॉस्फोरस एसिड से करवाएंगे तब बेंजीन मिलेगा, और अगर हम यहाँ पे वाटर से हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होता है, जिसका साइज बिगर होता है। तो यहाँ पे टेलरियम है जो बिगेस्ट साइज का है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, वाटर वाले का होना चाहिए, क्योंकि एक रैक्ट ऑर्डर में है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलरियम। लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है H2O और H2S के अंदर, जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का ना होकर के हाइड्रोजन सल्फाइड का है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड पहली बात तो गैसीय स्टेट में है और वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो गैसेज का वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। दूसरा, यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, जिससे इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा ज्यादा हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। डेट्स वाई हाइड्रोजन सल्फाइड इज लोवेस्ट इन बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड सल्फर। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मोस्ट मेजर जो रिस्पॉन्सिबल है डेट इज CO2। आपको मेजर अगर पूछा जाए तो CO2 आएगा, अगर यहाँ पे मेजर और माइनर की बात ही नहीं है तो भी हमारा क्या आएगा, CO2 आएगा। ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे CO2 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 81%, नाइट्रस ऑक्साइड का 7%, जो आपके मिथेन होता है उसका 10%, और फ्लोरिनेटेड गैसेज का 3% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी है जिसमें हमें हाइड्रोजन प्लेटिनियम और कार्बन दिया है, इसका हमें प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे हमें एल्काइन दिया है, तो जो प्लेटिनियम और कार्बन होता है ये लिंडलर कैटलिस्ट होता है। लिंडलर कैटलिस्ट की एक कंडीशन ये होती है कि ये हमेशा क्या देगा, आपको सिस एल्कीन देगा, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा सिस एल्कीन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो क्वेश्चन में बहुत बार मैंने बताया है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देंगे, जिनके पास क्या होगा, CH3COH या CH3C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, वो क्या देंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पे इथाइल मिथाइल कीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 3-methyl-2-butene, इनके पास ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट है, ये आइडोफॉर्म शो करेंगे। और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला CH3C CH3CH2OH है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 59, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम गिव्स। ये भी 2019 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे एनिलीन, एजोबेंजीन, पैरामिनो, फिनोल और एजोक्सी बेंजीन हमें गिवन है। तो मैंने हरे के बारे में बताया है कि कौन से मीडियम में क्या देगा। नाइट्रोबेंजीन का जब हम रिडक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो ये चारों ही प्रोडक्ट मिलते हैं। डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। अगर आप वीकली एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो हमें मिलेगा एनिलीन, अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेंगे तो मिलेगा पैरामिनो फिनोल। तो क्वेश्चन हमारा स्ट्रॉन्ग में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और एजोबेंजीन और एजोक्सी बेंजीन जो है ये अल्कलाइन मीडियम में मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइको एक्टिव सब्सटेंस आर LSD, कैफीन एंड कोकेन, एल्कोहल। तो ये चारों ही आपके क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। एक छोटी सी कोशिश की है आप सभी को ये क्वेश्चंस करवाने की, आई होप सो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मेरी कुछ यहाँ पे वीडियोस बनाते टाइम कुछ कमियाँ रह जाती हैं, हो सकता है आपको अच्छे से विजिबिलिटी ना आ रही हो या मेरी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ रह गई हो, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आप अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दें। और HTET आपके लिए बहुत ही पास है, 2 तारीख को आपका HTET है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट फॉर HTET। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।